अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आसमान जूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट उर्दू के लिए जो कुछ ऐसे लफ्ज़, ऐसे वर्ड्स जिनकी वजह से अगर मीनिंग आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेंगे। ये थोड़े ही वर्ड्स हैं और 100 वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर आपको उसके मीनिंग पता चल जाए ना तो आप इजीली क्वेश्चन समझ सकते। तो कुछ उसमें से मैंने जो 94 अभी आपके लिए ली हूँ वो देख लीजिए आप। अगर किसी का हिंदी है तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएंगी क्योंकि हिंदी में भी है। लफ्ज़ियात के मीनिंग होते हैं वो कैबलरी, यानी कि लफ्ज़ियात वो कैबलरी, जुमलों की वज़ाकता यानी कि रिदम ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो लय होना चाहिए, आपके बोलने में जो रिदम होनी चाहिए। तो ये तो इसी बार पूछा गया था 2024 में। तो अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है कि उसके उर्दू में मीनिंग क्या होते हैं तो आप वो क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उसके रिदम था, लय था उसका मतलब। कुतुब खाने यानी कि लाइब्रेरी, हिंदी में आप लोग देख लीजिए। मतनू यानी कि वैरायटी, तनु से बना है। और ये भी आपको अभी 2024 में ये वर्ड यूज हुआ था। अब ये ना, इससे पहले क्या यूज होते थे, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ पर या अलग अलग, इस तरह से यूज होते थे ना। तो अब है मतनू यानी कि वैरायटी, अलग अलग। अदब अतफाल यानी कि चिल्ड्रंस लिटरेचर, यानी कि बाल साहित्य, जो बच्चों की पढ़ने की जो पुस्तकें, किताबें वगैरह होती है ना, जो बच्चों के लिए, जैसे कि नज़्में हैं, गीत है, गाने हैं, कहानियां वगैरह है, तो वो होता है अदब अतफाल। अतफाल यानी कि तिफ्ल की जमा, तिफ्ल की जमा अतफाल। और तिफ्ल यानी कि क्या, बच्चा। बुलंद ख्वानी लाउड रीडिंग कहा जाता है। ख्वानदगी यानी कि लिटरेट, यानी कि साक्षरता, यानी कि आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो ख्वानदगी की मीनिंग होते हैं लिटरेट। महारत के लिए यूज होता है दस्तरस। अब तक क्या बोला जाता था कि महारत हासिल करना, तो दस्तरस यानी कि क्या, मास्टरी यानी कि महारत हासिल करना। सूतियाती आगाही यानी कि आवाजों का इल्म। और आपको देखिए ये वर्ड यूज किया जाता है सूत, ऑनलाइन से ये यूज में आ रहा। सूत यानी कि क्या, आवाज यानी कि साउंड। उसके बाद है रवानी यानी कि फ्लुएंसी। मालूम लफ्ज़ियात यानी कि साइन वोकैबुलरी। मालूम लफ्ज़ियात यानी कि क्या, कि आम लफ्ज़ियात के डे टू डे लाइफ में हम जो बोलने के लिए और लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपके लफ्ज़ियात है, अल्फाज है, अल्फाजों का मजमुआ है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो होंगी आम लफ्ज़ियात, या इसे आसान लफ्ज़ियात भी कहा जाता है। इसके लिए एक और वर्ड ले लीजिए, मालूम लफ्ज़ियात है, या फिर आम लफ्ज़ियात लिख कर आ जाएगा आपको, या फिर आसान लफ्ज़ियात लिख कर आ जाएगा। मीनिंग सेम ही है। पैटर्न को समझना यानी कि पैटर्न रिकॉग्निशन। तरसील यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना यानी कि बातचीत करना, तरसील करना। अब आपने देखे होंगे कि सीटेट के पेपर में आपको हर पेपर में तरसील वर्ड यूज होता है। तरसील यानी कि कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। नेक्स्ट वर्ड है कुल लिसानी तरीका यानी कि होल लैंग्वेज मेथड। तो जहाँ पे हम जबान को क्या करते हैं, एक होल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कहानी हो गई, एक पूरी इकाई के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, गीत है, गाने हैं, तो होल लैंग्वेज मेथड यानी कि क्या है, कुल लिसानी तरीका। कवायद का इतलाक, इतलाक यानी कि इसके मीनिंग होते हैं इस्तेमाल, इस्तेमाल। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये। सूती तदरीस यानी कि फोनिक टीचिंग, यानी कि आवाज साउंड की टीचिंग, साउंड का नॉलेज बच्चों को देना। और ये देखिए, ये जो वर्ड है, ये जो यूज हो रहा है, इसके मीनिंग अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इनसे बात ही जबानी मश्क यानी कि कंट्रोल। जबानी मश्क यानी कि क्या, आप ओरल प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे को, ओरली कोई चीज करवाएंगे। और इनसे बात यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल के साथ कि टीचर गाइड करेंगे, कुछ कंट्रोल रहेंगे कि हाँ आपको ये चीज करना है, इतना बोलना है, इतने सेंटेंस में ही बोलना है। तो वो क्या हो गई, कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस जो कराएंगे, या टीचर बोलेंगे बच्चे सिर्फ रिपीटेशन करेंगे, तो कंट्रोल वाली चीज जो होंगी, ठीक है, तो वो है इनसे बात ही जबानी मश्क यानी कि कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस। फितरी तरीका नेचुरल मेथड, रास तरीका डायरेक्ट मेथड, समय लिसानी तरीका ऑडियो लिंगुअल मेथड, तौसीई तरीका या तौसीई, सॉरी ये तरीका नहीं, ये मुताला है, तौसीई मुताला। मुताला यानी कि क्या, पढ़ना, रीडिंग। तो तौसीई मुताला, अब आप देखिए इस पे आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, तौसीई मुताला, गैर मुताला, सरसरी मुताला। तो तौसीई मुताला यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग,
एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि तौसी मुताला, और किस लिए किया जाता है ये? लुफ्त अंदोजी के लिए किया जाता है। और किस चीज़ के लिए? बच्चों में मुताले की, पढ़ने की मश्क की आदत डालने के लिए करवाया जाता है ये। अगर आप दो पॉइंट भी अगर इसके याद रख लो ना, तो आप आंसर को कर सकते हैं। हमजोलियाँ यानी कि पियर्स, बुनियादी सतह यानी कि फाउंडेशनल स्टेट जो रहेंगी बच्चे की, बुनियादी सतह यानी कि फाउंडेशनल स्टेट है। मसूदा आप जब तहरीर में जाएंगे तो तहरीर की जो पांच स्टेप्स है, पांच मराहिल है, उसमें है मसूदा यानी कि ड्राफ्टिंग। प्रूफ रीडिंग यानी कि क्या, कि आप एक बार ड्राफ्ट रेडी करने के बाद उसको एक अच्छे पैराग्राफ के फॉर्म में या अपने उसमें ले लेते हैं, तो आप उसको एक बार रीड कर लेते हैं, तो वो होता है आपका प्रूफ रीडिंग, कि कहीं कुछ कमी वगैरह तो नहीं हो गई, पूरी तरह से है या नहीं, तो वो होता है प्रूफ रीडिंग। खदर पैमाई यानी कि इवेलुएशन, या फिर अंदाजे खदर भी बोल सकते हैं आप उसको। जाजिब है कोई चीज, जाजिब यानी कि अट्रैक्टिव, जो आपको अपनी तरफ ले। महफूज, सेफ, ये नॉर्मल है। शमूलियती या शमूली, आपको शमूली भी लिख कर आएगा। शमूलियती या शमूली यानी कि क्या? इंक्लूसिव, समावेश करना, मिलाना, एक कर देना। कौमी दर्शियाती खाका यानी कि NCF। तरक्की के मुख्तलिफ मैदान यानी कि क्या? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे ना, जब भी आपको तरक्की की बात आएंगी, तो तरक्की की बात आ रही यानी कि आपके पेपर में आपको डेवलपमेंट की बात की जा रही है, डेवलपमेंट, और उसके मुख्तलिफ मैदान यानी कि क्या? उसके डोमेन जो बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे, जो तीन है, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड इफेक्टिव डोमेन, तो उसके अलग अलग जो मैदान है, उसके अलावा ये तो उसूल हो गया उसके, और अगर आप डेवलपमेंट के जब टाइप में जाएंगे उसके अलग अलग, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साइकोमोटर डेवलपमेंट है, इफेक्टिव है, और बिहेवियर की हो जाएंगी बच्चे की, और मॉरल है, तो ये अलग, इमोशनल है, तो ये अलग अलग क्या होंगे, उसके मैदान हो जाएंगे। तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है वो, आप CDP में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद है दर्शियात के उसूल। दर्शियात यानी कि क्या? करिकुलम। दर्शियात यानी के करिकुलम जो है हमारा वो, और उसूल यानी के प्रिंसिपल। देखिए अब ये पूछा गया था आपको 2024 में, और मुझे लगता कि शायद पेपर सेकंड का क्वेश्चन में पूछा गया था ये, अब इतना याद नहीं फर्स्ट का था या सेकंड का, लेकिन शायद सेकंड पेपर में पूछा गया था। कश्क के उसूल, कश्क के उसूल यानी के प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल, आप किस तरह से प्रेजेंटेट करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा आपका, किसी भी चीज़ को जाहिर कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे, तो प्रेजेंटेशन के जो प्रिंसिपल है उसे कहा जाता है कक्ष का उसूल। शायद पेपर फर्स्ट या सेकंड में, अभी के पेपर में पूछा गया था, याद नहीं है, लेकिन ये अभी पूछा गया था कक्ष का उसूल। ठोस उसूल यानी कि कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। हदफ जबान यानी कि टारगेट लैंग्वेज। इत्तेफाक करना यानी कि एग्री होना किसी चीज पे। बरोकार लाना यानी कि इंगेज कर देना, इंगेज करना, आप उसको मसरूफ कर दो किसी चीज में बच्चे को। तनु, वैरायटी, अभी मैंने आपको बोली थी देखो, एक है मतनु और एक है तनु, यानी कि वैरायटी, इससे पहले यूज होता था अलग अलग या मुख्तलिफपन, लेकिन अब तनु या मतनु। रिसाई, ये अभी पूछा गया है आपको 2024 के पेपर में, यानी कि एक्सेसिबल बनाना किसी चीज को, जैसे कि बच्चों के लिए बुक्स वगैरह है या लाइब्रेरी है या रेफरेंस बुक है, वो बच्चों के लिए एक्सेसिबल बना दो कि बच्चे उसको यूज में आसानी से ले सके, उसकी रिसाई आसान कर दो, उसकी पहुंच आसान कर दो। काम, काम यानी कि काम से मुराद यहाँ पे क्या है, कि जो बच्चे को टास्क दिया जा रहा है वो टास्क। अगर ये मीनिंग आपको पता है ना, तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसके अलावा और 100 मीनिंग है, ये 94 या 6 होंगे शायद। तौसी मुताला एक्सटेंसिव रीडिंग बता दी मैंने, तो हाँ, ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना, तौसी मुताला उससे रिलेटेड भी देख लीजिए। रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट, अभी मैंने आपको बता दी थी ये, कि जहाँ पे आपको लुफ्त अंदोजी लिख कर आ जाएगा और प्रैक्टिस की आदत आ जाएंगी, एंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल, और बच्चों में क्या करना है कि जनरल रीडिंग स्किल पैदा करना है, प्लस उनकी स्पीड को भी बढ़ाना है, तो क्या है कि मश्क की आदत डालने के लिए, मश्क की आदत डालने के लिए क्या किया जाता है, तौसीई मुताला किया जाता है। तो ये दो पर्पस है, आप इसको याद कर लेना।
मार्क्स मिल जाते हैं इंशाल्लाह। बगौर मुताला क्या होता है? अब आपको बगौर मुताला पूछा जाता है जो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि क्या? रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। अब देखिए, आप रीड कर रहे हैं कोई चीज को, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक एम है उसको रीड करने का, है ना, कि आप कुछ ना डिटेल मालूम करना चाहते, कुछ ना गहराई से मुताला, कोई आप गहरे या आपका खास ख्याल मालूम करना चाहते, यहाँ पर कोई खास बात मालूम करना चाहते, आपका कुछ उसके लिए मालूम करने का कुछ एक मकसद है, किसी मकसद के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं और उसमें कुछ खास चीज है, तो आप डिटेल में उसको पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ एम है उसके लिए, तो वो होता है बगौर मुताला, जो आप बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं उसको, तो वो होता है इंटेंसिव रीडिंग। तजबजब यानी कि कन्फ्यूज होना, कन्फ्यूज हो जाना। तरगीब मोटिवेशन, समझ या तफहीम यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, डीप अंडरस्टैंडिंग। बगौर सुनना यानी कि एक्टिव लिसनिंग। देखिए, सुनना, सुनना यानी कि समात, लिसनिंग, और बगौर यानी कि क्या? एक्टिव होके, कि आप बहुत गौर से पूरी तवज्जे के साथ सुन रहे हैं, तो वो होगा एक्टिव लिसनिंग। माने पे मबनी यानी कि मीनिंग बेस्ड होना, महारत पर मबनी होना कोई चीज़, यानी कि स्किल बेस्ड होना। अभी 2024 में ही शायद इस पे क्वेश्चन था, और शायद लास्ट क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था शायद ये, अब देख लीजिए आप। आवाज़ों की आमजिश, आमजिश के मीनिंग होते हैं ब्लेंड होना किसी चीज़ का, यानी कि मिक्स हो जाना, ब्लेंड साउंड। आवाज़ों की आमजिश यानी कि ध्वनियों का मिश्रण हो जाना, यानी कि जो साउंड है ना, जो ध्वनि है, जो आवाज है, तो वो मिक्स हो जाना, उसका मिश्रण हो जाना, ठीक है, तो वो होता है आमजिश। इस्तनबात यानी कि इन्फर, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। अब इस्तनबात के और भी मीनिंग निकलते हैं, अब वो सेंटेंस के हिसाब से रहेंगे। इलाकाई बोली, इलाकाई बोली यानी कि क्या? रीजनल डायलेक्ट। बोली यानी कि डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होती है? कि कोई भी एक लैंग्वेज हमारी होती है जो फिक्स्ड होती है। अब अलग अलग एक पर्टिकुलर एरिया में ना वो लैंग्वेज को किस तरह से बोला जाता है, उसमें कुछ वर्ड्स इधर विधर भी हो जाते हैं, तो उसे जो बोला जाता है तो वो उसकी बोली होती है। अब के एक पर्टिकुलर एरिया में जो बोला जाता है वो रीजनल डायलेक्ट है, यानी कि उस इलाके की बोली है। एक होती है सामाजिक बोली यानी कि सोशल डायलेक्ट, के एक पर्टिकुलर तबका, एक तबका जब किसी एक ही जबान को इस्तेमाल करता है तो वो होगा उसकी सामाजिक बोली। आपको ना एक क्वेश्चन भी आया था, देखिए, कि एक तबका किसी एक जबान को ना बरतता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ब्रादरी कहा जाता है, ब्रादरी कहा जाता है, जबान की ब्रादरी। ये क्वेश्चन भी था आपको। मौजियाती अल्फाज, ये आपको इसी पेपर में भी दिए गए थे। मौजियाती अल्फाज यानी कि थीमेटिक वोकैबुलरी, सेट ऑफ वर्ड विच बिलोंग टू अ स्पेसिफिक थीम, के एक स्पेसिफिक थीम को लेके जो वर्ड, अभी आपको अभी के पेपर में ही था शायद, हाँ अभी था, कि एक ऐसा सर्कल था, वहां पे था खानदान, फिर एक था रिश्तेदार, इस तरह से था, और एक यहाँ पे था, इस तरह से था। तो ये क्या हो गया कि एक थीमेटिक चीज हो गई, एक थीम है और उससे रिलेटेड आपको वर्ड दिए जा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है मौजियाती अल्फाज। लफ्जों का जाल या लफ्जों का मजमुआ, वो होता है वर्ड्स क्लस्टर यानी कि क्या? मजमुआ, किसी चीज का क्लस्टर यानी कि जो अंगूर का गुच्छा नहीं रहता, एक साथ जो पूरा मजमुआ हो गया था, मिक्स हो गया था। वो मजमू की लफ्जियात यानी कि क्लस्टर वोकैबुलरी, लफ्जियात वोकैबुलरी। नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स, ये क्या हो जाएगा? क्लस्टर वोकैबुलरी। लफ्ज का दाम, अभी के पेपर में आया था, आपको पूछा गया, अभी ये ना आपको यूज में आया था ऑप्शन में, कि लफ्ज का दाम या लफ्ज का सिलसिला क्या होता है? तो उसे वर्ड वेब कहा जाता है, ठीक है। लफ्ज का, अभी के पेपर का 2024 का, लफ्ज का दाम या सिलसिला यानी कि वर्ड वेब है ये, यानी कि माइंड मैप हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट न्यू वर्ड्स। जैसे कि क्या, कि अगर आप बोलेंगे बच्चे को ईद, ठीक है, तो बच्चा ईद के लिए क्या बोलेगा? हैप्पी फैमिली स्वीट्स एंड फास्टिंग, है ना, इस तरह की चीजें बच्चा लेगा। तो ये क्या हो गया उसका? ये हो गया उसका लफ्ज का सिलसिला या लफ्ज का दाम यानी कि वर्ड वेब, के एक माइंड मैप,
एक आप वर्ड दे दो, बच्चा अपने माइंड से उससे रिलेटेड चीजों को क्या करेगा, लेकर आएगा। नेक्स्ट है, इसके फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप दोनों, BCALP यानी के कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, BACS यानी के, और इसी पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ऑनलाइन से भी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और ये क्या है, बच्चा डे टू डे लाइफ में जो यूज में लाएगा, ये वो है डे टू डे लाइफ में बच्चा जो बातचीत करता है आपस में यूज में लाता है। आपसी जबानी महारत यानी कि इंटरपर्सनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि हम क्या करते हैं कि डे टू डे लाइफ में जिस तरह से जबान को बरतते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, वो है हमारा क्या, आपसी जबानी महारत इंटरपर्सनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि हम आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं। सानवी सतह है यानी के है सेकेंडरी लेवल तनकीदी ख्वानदगी। आप देखिए अभी के पेपर से 2023 और 24 के पेपर से ये स्टार्टिंग हुई है तनकीद की, तनकीदी ख्वानदगी यानी कि क्रिटिकल लिटरेसी। अब ये क्या होती है, अ लर्निंग अप्रोच वेयर चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन वेरियस टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड मीनिंग। अब यहाँ पे बच्चों को अलग अलग टेक्स्ट पेश कर दिया जाता है और बच्चे वहाँ से ना खुद तनकीद करते हैं, खुद समझते भी है, रिलेशन समझते हैं वो लैंग्वेज का, उसके मीनिंग का, तो उसे कहा जाता है तनकीदी तदरीसियात। तदरीसियात यानी कि पेडागोजी, तो क्रिटिकल पेडागोजी, टीचिंग स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। तनकीदी जबान यानी कि क्रिटिकल लैंग्वेज। तरीक़ अमल की मालूमात यानी के प्रोसीजरल नॉलेज। कवायदी मशकों, अब देखिए ये ना आपको पूछा जाता है कवायदी मशक, या कवायदी मशकों को कैसे बरतेंगे, तो कवायदी मशक यानी कि ग्रामर के जो अलग अलग आइटम्स होते हैं, ग्रामेटिकल आइटम्स जो यूज होते हैं ना, तो उसको आप कैसे बरतेंगे, जोड़ों में या जोड़ी यानी के पेयरिंग या पैर, मिलजुल कर लिखना मैचुअल राइटिंग, और मिलजुल कर या फिर जुमलों का इमला या मिलजुल कर इमला लिखना, ये टर्म्स अलग अलग है देखिए, और आपको ऑप्शन में यूज में आते हैं कि मिलजुल कर लिखना यानी कि मैचुअल राइटिंग, कि आप मिलजुल कर लिख रहे हैं, जुमलों का इमला यानी कि सेंटेंस का डिक्टेशन बच्चों को करा रहे हैं, या मिलजुल कर इमला लिखना यानी कि म्यूचुअल डिक्टेशन आप बच्चों को करा रहे हैं। अब तीनों के मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं और आपको पता होंगे। इशाराती जबान यानी कि साइन लैंग्वेज, तावुनी तदरीस यानी कि रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग का एम क्या है कि लर्नर्स हु नीड अटेंशन ऑन अ सर्टेन स्टूडेंट टू लर्न, यानी कि कोई चीज़ है जो बच्चे में वहाँ पे वो फुलफिल नहीं हुई है, गैप आ गया है, उसे मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे रेमिडियल टीचिंग का। बाहमी तदरीस रेसिप्रोकल टीचिंग, मादराए जबान जो अभी आपको 2024 और 3 से यूज में आ रहा है, मादराए जबान यानी के ट्रांसलिंग्वलिज्म या लिंग्विंग, यूजिंग मैनी लैंग्वेज ऑफ लर्नर टू टीच देम, यानी के मादराए जबान क्या है कि बच्चों को ना बहुत सारी जबानें यूज में लाते हैं सिखाने के लिए, उनकी ही जबान को यूज करते हैं, जैसे कि क्लासरूम के अंदर अगर हम एक वर्ड बोले पानी, अब बच्चे अलग अलग अगर रिलीजन के हैं, अलग अलग भाषा को जानने वाले हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो उनके पास वो जो पानी वर्ड है ना, वो और उसको क्या बोलते हैं, या उनकी भाषा में क्या बोलते हैं जो वो यूज़ करते हैं, या उनकी मदर टंग जो है, या फिर अलग अलग रिलीजन अलग अलग जात के बच्चे हैं, तो वो अलग अलग बोलेंगे कि पानी के लिए उनके पास क्या वर्ड यूज होता है, तो बच्चों की ही वो लैंग्वेज को यूज़ में यहाँ पे लाएंगे, तो वो होता है मादराए जबान। सरसरी मुताला यानी कि स्कीमिंग, गैर मुताला यानी कि स्कैनिंग, के बारीकी से पढ़ना, लेकिन फटाफट लेकिन बारीकी से पढ़ना, और सिर्फ इतना याद रख लो कि मरकजी ख्याल को जहाँ पढ़ने की बात होंगी वो गैर मुताला होगा। बैन लिसानी शनाख्त यानी कि इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन, अब ये आपको अभी यूज में आया है ये वाली चीज, के समथिंग इन नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर, यानी कि मुकामी जबान और हदफ जबान में कुछ चीज़ें मुश्तरका होती है, यानी कि आप हम जो एक टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं या हम जो हमारी मादरी जबान यूज़ करते हैं, तो आप जो अदर भी लैंग्वेज यूज़ करना, तो दोनों में कुछ चीज़ें ना मुश्तरका होती है, साउंड उनके एक हो जाएंगे, तो
मुश्तरक चीज़ें होती है उसको बैन लिसानी शनाख्त कहा जाता है। अभी के पेपर में यूज़ हुआ था इक्तसाबी हसूली या तहसील यानी कि एक्विजिशन, आमोजिश यानी कि सीखना, लर्निंग, तहसीन यानी कि एप्रिशिएशन और इर्तिशाह, ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी यूज़ में आ रहा है आपको। इर्तिशाह या इर्तिशाही मुताला यानी कि रीडिंग फॉर रिसर्च, और इर्तिशाह यानी कि क्या कि किसी चीज़ की रिसर्च करना, खोजना, एक्सप्लोरेशन की तरफ जाना। मादराए जबान की सलाहियत यानी कि ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी के कई जबानों या जू लिसानी बच्चा मुख्तलिफ लोगों से उनके जानने की जबान को जानता और बात करता है, इस सलाहियत को मादराए जबान की सलाहियत कहते हैं। यानी कि क्या कि आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बच्चा कुछ 3-4 जबान को जानता है, अलग अलग नाम लेके आ जाएगा आपको और बोलेगा कि स्कूल में वो ये जबान अपने पीयर्स के साथ यूज़ करता है, अपने पड़ोसी के साथ ये करता है, घर में ये जबान को बोलता है। तो ये क्या है उसकी, ये उसकी है मादराए जबान की सलाहियत। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है कि वो जो जबानें जानता है और दूसरे जो जानते हैं उनको उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये उसकी सलाहियत है। ये क्वेश्चन आपको अभी भी पूछा गया था। कोड मिलाना यानी कि कोड मिक्सिंग, कोड बदलना यानी कि कोड मूविंग या स्विचिंग, और रिलिया यानी कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड असल जिंदगी के काम, रियल लाइफ के टास्क, तौजीही मालूमात यानी कि क्या, तौजीह यानी कि क्या कि आप जिसकी वजाहत कर सकते हैं। तो क्या है डिक्लेरेटिव नॉलेज कि आप जिसकी वजाहत कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को, प्लस उसको यूज़ में भी लाएंगे, आप उसका अप्लीकेशन करेंगे। कवायदी मशकों को बरतने के तरीक़ों के बारे में जानना, अब आपको इस पे ना जो क्वेश्चन पूछ रहे तो वो आपको कवायद पे पूछ रहे, तौजीही मालूमात। तो तौजीही मालूमात क्या है कि जहाँ पे कवायदी मशकों को बरतने के तरीक़ों के बारे में बच्चा जानता है तो वो है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे मैंने बता दी। तनकीदी तजिया, तजिया यानी कि एनालिसिस, बारीकी से किसी चीज़ को देखना, क्रिटिकल एनालिसिस, गौर व फिक्र करना, किसी पहलू के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग तरीके से गौर करना, तो उसे कहा जाता है तनकीदी तजिया। नेक्स्ट है गौर व खोज यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, खाका तैयार करना, आउटलाइन, वकूफ़ी महारत यानी कि कॉग्निटिव स्किल, इजहारी सवाल, एक्सप्रेसिव क्वेश्चन, जज्बात से जो ताल्लुक़ रखेंगे किसी के, इस्तदाली सवाल यानी कि डिस्कर्सिव क्वेश्चन, बहस गौर फिक्र के साथ यानी कि कोई चीज़ जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ कर अगर कोई चीज़ लिखना है या पूछना है तो वो होंगे आपके इस्तदलाली सवाल। इक्तिबास का इमला यानी कि पैसेज डिक्टेशन, क्या होता है यहाँ पे, हिंट याद रख लीजिए कि सुनी हुई इक्तिबास, अब टीचर यहाँ पे बच्चे को क्या करेगा, कोई एक कहानी या किस्सा सुनाएगा, को ग्रुप में देगा या इंफरादी तौर पे सुनने के लिए सिर्फ कहेगा और बाद में पूरी तरह से असल मतन के करीब तर उसको लिखने के लिए कहेगा कि अब आपने पूरी कहानी सुन ली है, अपने तौर पे लिख लो। कैसे लिख लो कि जो असल मतन है, जो टेक्स्ट जो था ना रियल, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता करके लिख लो। तो ये होता है इक्तिबास का इमला, क्वेश्चन भी पूछे गए इस पर। आमोजिशी महसल यानी कि लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग प्रोडक्ट जो निकल कर आते हैं वो, अब हमने यहाँ पे 94 क्वेश्चन देख लिए और क्वेश्चन और वर्ड्स है 100 और पॉजिटिव निगेटिव जो अगर आप कर लो तो इजी हो जाएगा आपके लिए। और सीटेट के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, और 28 से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन उसके ओपन है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। 28 से देखिए स्टार्ट हो जाएंगी टेस्ट सीरीज, तो ये 5 जुलाई तक चलेंगी, जून से स्टार्ट होंगी, 5 जुलाई तक की रहेंगी। अगर आप ऑनलाइन आकर देते हैं तो आपके चार्जेस होंगे 600 पूरे के, जहां पे आपको टोटली गाइड किया जाएगा कि कैसे देना है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ऑनलाइन के है 300 और ऑफलाइन अगर आप देते हैं तो 600 उसका चार्ज होगा पूरी टेस्ट सीरीज का।
तो ये हमारी होंगी टेस्ट सीरीज। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र से है तो आपको महा टीटी की जो टेंटेटिव डेट आ गई है 2024, और थर्ड टेट एग्ज़ाम TAIT टेट एग्ज़ाम जिसकी टेंटेटिव डेट है दिसंबर, तो इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस उर्दू एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई एंडिंग से। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है, ऑनलाइन होंगी टीचमेंट ट्यूशन ऐप पर और ऑफलाइन के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। और जब तक आपके सीटेट के पेपर नहीं होते उर्दू के लिए, और हम लाइव अब लेक्चर ले लेंगे आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।